पिछले दिनों डोकलाम सीमा पर भारतीय सेना के 20 जवानों की शहादत के बाद जहां सीमा पर तनाव है, वहीं देश के युवाओं में भी गुस्सा देखा जा रहा है। जगह जगह चीन का सामान का बहिष्कार हो रहा है, चाइनीज सामान का विरोध किया जा रहा है। आज धार जिले के सागौर में भी इस प्रकार का विरोध देखा गया। वहीं देश रक्षा में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई और मौन रखा गया। श्रद्धांजलि सभा में थाना प्रभारी प्रतीक शर्मा सहित सैकड़ों युवा शामिल हुए। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। कार्यक्रम गलवाल घाटी में जो चीन की कायराना हरकत हुई थी, उस कायराना हरकत में भारतीय सैनिकों को जो पीट पर वार किया था, उन सैनिकों के सम्मान में शहीदों को श्रद्धांजलि के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और भविष्य में चीन इस प्रकार की कायराना हरकत से बाज आए, चाइना का कोई भी सामान भारतीय बाजारों में नहीं बिकेगा, इस संकल्प के साथ इस कार्यक्रम में 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कल जो हिंदुस्तान पर चाइना ने अटैक किया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैं चाइना की कड़ी निंदा करता हूँ, उन्होंने ये कृत्य किया है। और मैं भारत सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार से निवेदन करता हूँ, चाइना का जो भी माल है उस पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाए, सरकार कोई माल चाइना का नहीं खरीदे। मैं एक व्यापारी होने के नाते ना तो चाइना का माल खरीदूंगा ना ही बेचूंगा। मेरे पास कुछ आइटम थे तो मैंने कल पूरे उसको तोड़ फोड़ के पूरा कचरे में डाल दिया है। इसलिए मैं ग्राहकों से भी निवेदन करता हूँ, चाइना का माल ना खरीदे। और सबसे पहले तो व्यापारी बंधुओं से, सभी व्यापारी निवेदन है पूरे प्रताप को पढ़ लेना। और अगर गिर गए हो हजारों की भीड़ में तो शिवाजी को मन में गढ़ लेना। इस देश में महाराणा प्रताप और शिवाजी के हम वंशज है। और ऐसे समय में जब कायराना हरकत चीन करता है तो हम सब शिवाजी और महाराणा प्रताप के जो वंशज है, हम सबको संकल्प लेना चाहिए। चीन जैसे चीन ने जो कायराना हरकत की है उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आज हमारा देश सक्षम है। 1962 का युद्ध हुआ होगा, चीन ये ना समझे कि 1962 के भारत में और अब के भारत में बहुत अंतर है। इस देश में युवाओं की एक बहुत बड़ी फौज है, सेना अपना काम युद्ध स्तर पर सीमा पर करेगी और देश का युवा मैदान में लड़ेगा, बाजार में लड़ेगा और जमकर लड़ेगा। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा चाइना के सामान का बहिष्कार करेगा किसी भी कीमत पर। हम अपने घर में चाइना के सामान को नहीं ले जाए, सस्ते के फेर में, फिर एक बार सुन ले, सस्ते के फेर में और सस्ते के मोहजाल में हमको अब नहीं उलझना है। दुश्मन का मुंहतोड़ जवाब अगर देना है तो उन्हें खुलेआम बाजारों में नीलाम करना पड़ेगा, तब जाके इस देश के हिंदुस्तान की अस्मिता की हम रक्षा कर पाएंगे। हमारे देश का इतिहास रहा है, चाहे एक बार युद्ध हुआ था 1962 का, उस युद्ध में हमारा 80 किलोमीटर वर्ग का एरिया जिसमें हमारा जो शिव जी का हमारा जो स्थान है वो कैलाश पर्वत सहित आज चीन के कब्जे में है। हमें मानसरोवर की यात्रा करना पड़ती है, चीन से अनुमतियां लेना पड़ती है, लेकिन अब वो समय आ गया है कि चीन अपने कायराना हरकत से बाज आए। आने वाला समय हम सबको एक गंभीर चुनौती के रूप में लेना चाहिए और निश्चित रूप से हम देश के लिए, देश की रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं। हम सब युवा आज ये संकल्प लें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।